9 तारीख से नेपाल क्रिकेट टीम का हांगकांग द्वारा स्टार हो रहा है और पीएनजी के साथ जो मैचेस है वो होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि नेपाल क्रिकेट टीम जो कल का मैचेस हारी है वो याद कर कर के अब रोते रहे और मोरल डाउन करके रखे। दूसरी चीज़ ये कि जो है नेपाल क्रिकेट टीम वो सब भुला के जो आने वाले मैचेस है, जो खतरनाक खतरनाक आने वाले मैचेस है, उन पर ध्यान दे। हाँ, सही सुन रहे हो आप। यहाँ पे नेपाल क्रिकेट टीम कल का मैच हार गई, चलो ठीक है हार गए यार, जाने दो। लेकिन आने वाले मैचेस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये हांगकांग पीएनजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे आने वाले आगे वाले मैचेस की बात कर रहा हूँ। जो मैचेस यहाँ पे आयरलैंड के साथ खेले जाएंगे, दो मैचेस वार्म अप मैचेस आप समझ के रखो, उसके बाद इंडिया दौरा होगा, उसके बाद जो है एशिया कप क्वालिफायर होगा, समझ रहे हो। उसके बाद वर्ल्ड कप से पहले जो है जो वार्म अप मैचेस है वो होंगे, जहाँ पे बांग्लादेश की टीम के साथ, श्रीलंका की टीम के साथ और साउथ अफ्रीका की टीम के साथ हो सकते हैं जो प्री मैचेस है, पहले वर्ल्ड कप से पहले जो प्रैक्टिस मैचेस है वो नेपाल क्रिकेट टीम को खेलने को मिले। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस है आगे आने वाले टाइम में। और मैं जितने भी नेपाली क्रिकेट फैंस आप सबसे कहना चाहूँगा कि भाई ये मोरल डाउन करके ना फायदा नहीं है, अभी बहुत सारे मैचेस आने वाले हैं। तो ये कल का फाइनल हारे ठीक है, यहाँ पे सबको दुख है हम लोगों को, लेकिन अब वो चीज़ लेके हम लोग नहीं बैठ सकते। अभी यहाँ पे जितने भी नेपाली क्रिकेट फैंस हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आने वाले मैचेस पे फोकस करना है। तो नेपाल क्रिकेट टीम को आने वाले मैचेस पे फोकस करना है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 9 तारीख से जो है यहाँ पे हांगकांग द्वारा स्टार्ट हो रहा है, मतलब फ्रेंडशिप कप का नाम दिया गया इसे, और नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो फ्रेंडशिप कप खेलने जाएगी हांगकांग। वहाँ पे उनका मैचेस जो है पीएनजी के साथ भी जो है वो खिलाया जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि हांगकांग के साथ में मैचेस जो होंगे वो उतना टफ नहीं रहेगा, क्योंकि हांगकांग एक फ्रेंडली कंट्री है। नेपाल क्रिकेट टीम से उन्होंने मतलब ये विनती किया था कि हमारे साथ ना आप यहाँ पे फ्रेंडशिप कप खेलो, तो नेपाल ने कहा कि ठीक है चलो यार, हमारा भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आप लोगों के साथ हम लोग खेल भी लेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे बंदे हैं जिनको चांसेस मिलना चाहिए था, उन्हें चांसेस नहीं दिए गए, जैसे अनिल शाह हो गए, और भी यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे हैं उनको यहाँ पे जो चांसेस है वो नहीं दिया गया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, जिन लोगों को भी चांसेस मिला है इस दौरे में, हांगकांग के दौरे में, आप यहाँ पे ना एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, आप यहाँ पे नए लड़कों को खिलाइए। जैसे बहुत सारे नए लड़के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, अगर मैं बात करूँ बशीर अहमद की तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे, राशिद खान वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो नए लड़के को चांसेस यहाँ पे जो है नेपाल क्रिकेट टीम को देना चाहिए। ठीक है, आप अनिल शाह को नहीं लिया, अनिल शाह को आपको लेना चाहिए था, लेकिन आपने फिर भी अनिल शाह को नहीं लिया। ये बहुत बड़ी भूल जो है नेपाल क्रिकेट की तरफ से है कि अनिल शाह को नहीं लिया गया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ भूल है, क्योंकि आप देखो ना यार, उस बंदे ने कैनेडा के अगेंस्ट डेब्यू मैचेस में 50 रन मारे। ठीक है, पहले ठीक है डेब्यू कर चुका था नेदरलैंड के अगेंस्ट, लेकिन इस साल में आते आते उसने पहला मैचेस में 50 मारा, फिर यहाँ पे तीसरे मैचेस में जो है 100 रन मारा। तो आप कह सकते हो कि यार ये बहुत मतलब खतरनाक खिलाड़ी अनिल शाह, लेकिन आपने उनको छोड़ के जो है आप यहाँ पे जा रहे हो, यहाँ पे जो दौरा है हांगकांग, यहाँ पे ले जाते हैं अनिल शाह को। क्या पता आपको जो प्रैक्टिस है, जो आप आउटकम चाहते थे अनिल शाह से, वो निकल जाता। मतलब अनिल शाह को आप एक मतलब आप कह सकते हो कि टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज बनाना चाहते हो, वो भी खतरनाक वाला, तो वो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपको यहाँ पे क्या था, ठीक है आपने रेस्ट दे दिया, अब यहाँ पे रेस्ट दिया गया या टीम में शामिल ही नहीं किया गया मुझे नहीं पता, लेकिन जो है बहुत बुरा किया गया कि अनिल शाह को नहीं लेके। खैर जो भी है, नए लड़कों की अगर मैं बात करूँ तो नए लड़के में यहाँ पे जो है आकाश चंद जैसे खिलाड़ी है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भाई प्रतीश जीसी जैसे खिलाड़ी है, उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी, राशिद खान जैसे खिलाड़ी है। तो उन सब लड़कों को आपको यहाँ पे जो है चांसेस देना चाहिए हांगकांग के अगेंस्ट, पीएनजी के अगेंस्ट, ताकि इन्हें एक्सपीरियंस हो और जो जो गलतियां हुई हैं उनके ऊपर यहाँ पे काम करना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि मान लो सुपर ओवर कह रहा हूँ मैं, डेथ ओवर में आपको यहाँ पे बॉलिंग करवानी किसी नए बॉलर से, आप यहाँ पे वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे नेपाल क्रिकेट टीम कर सकती है और आने वाले मैचेस पे फोकस कर सकती है। बाकी देखो कल का मैचेस यहाँ पे हारे मुझे ही बहुत बुरा लगा, लेकिन अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस जो है वो आने वाला है, तो उसी को लेकर मैंने यहाँ पे बस ये कहा कि नए लड़के को जो चांसेस है वो देना चाहिए। तो ये मोरल डाउन करके बैठ के कोई फायदा नहीं है, उठिए चलिए जीतिए, बस अपना नाम बनाते चलिए, दुनिया ऐसे ही चलती है। दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्या नए लड़के को चांसेस देना चाहिए हांगकांग दौरे पे? बाकी अनिल शाह को लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हांगकांग दौरे पे क्यों नहीं लेके गया, क्या रीज़न है, आप लोग भी यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो मुझे। बाकी इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो नीचे कमेंट में जरूर करना, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो।